गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. कौन से क्वेश्चंस थे आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया आपने? क्वेश्चन नंबर 10 जब आपने सॉल्व किया तो जो 5 साल के आपने ट्रायल चलाए वंस इन ईयर मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी कितनी आई? 30. बेटा पहले साल की मेंटेनेंस कॉस्ट, बेटा मैं मेंटेनेंस कॉस्ट पूछ रहा हूं, 90 कहां से आएगी? 20,000, 10, 15, 20, 15. और रिपेयर कॉस्ट 70, 50, 60, 70, 60. और फिर टोटल आ गया, और टोटल का टोटल आ गया, और फिर एवरेज आ गया. एवरेज कितना आ गया? 78,000 टोटल का एवरेज. 78,000, आर यू श्योर? ठीक है. फिर जब 2 इयर्स के लिए आपने यही टेबल बनाई तो उसमें फर्क ये आ गया कि एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट डबल हो गई, ये 20 की जगह कितनी हो गई? तो ये हो गया 40, 20, 30, 40, 30. और रिपेयर कॉस्ट 60, 50, 50 लिखूं यहां, 70, 50. और फिर टोटल, और फिर टोटल का टोटल, और फिर उसका एवरेज 80. मतलब साल में 2 बार मेंटेनेंस करके तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, हमको मेंटेनेंस साल में 1 बार ही करना चाहिए. सही है? चलिए. गलती करी इसमें आपने? कितने बच्चों के यही आंसर आ गए? हाँ, कितने के नहीं आए ये आंसर? वो हाथ उठाओ. बेटा क्यों गलती करी? गलत बातें तो. मेंटेनेंस कॉस्ट डबल नहीं करी आपने ऐसा? कोई बात नहीं, अब ठीक कर लो. आप बोलो. बस बाकी तो सब सही है ना? कोई बात नहीं, हो उतना सा करेक्शन तो आप कर लेना. नेक्स्ट, इसके बाद में आप करेक्शन घर पे करना, इसको अभी छोड़ो. क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया. 11 होमवर्क 11 क्लास में हो गया था, बड़ा क्वेश्चन था. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. इसको सुधारने का काम यहां मत करो बेटा, घर पे सुधारना. अभी सिर्फ आंसर लिख लो. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है द अकरेंस ऑफ रेन इन अ सिटी ऑन अ डे इज डिपेंडेंट अपॉन वेदर और नॉट इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे. पिछले दिन बारिश हुई थी या नहीं इस पर आज की बारिश डिपेंड करती है. इफ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे, अगर कल बारिश हुई थी, द रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, अगर कल बारिश हुई थी तो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी का टेबल दिया है. नो रेन 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर. दूसरा, इफ इट डिडंट रेन ऑन द प्रीवियस डे, अगर कल बारिश नहीं हुई थी तो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी दिए. आप देखो, अगर कल बारिश हुई थी तो आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. नो रेन्स की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, और अगर कल बारिश नहीं हुई थी तो आज भी बारिश नहीं, आज बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है. अरे ये तो उल्टा है, पढ़ के देखो टाइटल. इफ इट रेन्ड ऑन द प्रीवियस डे द रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन. कल बारिश हुई थी तो आज नो रेन की प्रोबेबिलिटी 0.5, पर अगर कल बारिश नहीं हुई थी तो आज भी बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 0.75 है. दो प्रोबेबिलिटी टेबल दिए तो दो रेंज बन जाएगी फॉर श्योर. सिमुलेट द सिटीज वेदर फॉर 10 डेज, एंड 10 दिन के लिए आपको इंद्र भगवान बनना है और डिसाइड करना है कि किस दिन बारिश करवाना है और किस दिन नहीं करवाना है और कितनी करवाना है. एंड डिटरमाइन बाय सिमुलेशन द टोटल डेज विदाउट रेन एज वेल एज द टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड. कितने दिन बारिश नहीं हुई, कितनी बारिश हुई,
Use the following sequence of random numbers. For simulation, assume that for the first day of simulation, it had not rained on the previous day. पहले दिन के लिए क्या मानना है कि पिछले दिन बारिश नहीं हुई थी. तो अगर बारिश नहीं हुई थी तो हम टेबल नंबर वन में देखेंगे कि टेबल नंबर टू में, टू में. और अगर आज बारिश हो गई डे वन पे मान लो, तो फिर डे टू में क्या करेंगे, टेबल नंबर वन में देखेंगे. किसी दिन टेबल वन में देखेंगे, किसी दिन टेबल टू में. तो आप पहले दो रेंज टेबल बनाओ और फिर रन टेबल बनाओ एंड ट्राई टू सॉल्व इट.
ऐसे भी कर सकते हैं, रैंडम नंबर यहां डाल दें, मतलब कुछ फॉर्मेट में थोड़ा हेरा फेरी आप कर सकते हैं। रेंज टेबल में रैंडम नंबर डाल दें, यहां रैंडम नंबर डाल दें, रैंडम नंबर कहीं ना डालें वैसे ही चला लें, इट्स योर चॉइस। अब हम देखते हैं रेंज, क्योंकि प्रीवियस डे पे रेन नहीं हुई थी तो फर्स्ट डे के लिए हम सेकंड टेबल में देखेंगे, और सेकंड टेबल में अगर हम 67 को फाइंड आउट करेंगे तो यहां पे देयर इज नो रेन। 67 जो है 0 टू 74 की रेंज में, और 0 टू 74 की रेंज में मतलब नो रेन। अब चूंकि फर्स्ट डे पे देयर इज नो रेन तो सेकंड डे पर, सेकंड डे के लिए टेबल नंबर 1 देखेंगे कि टेबल नंबर 2? क्यों? क्योंकि देयर इज नो रेन ऑन द प्रीवियस डे। 63 नो रेन, फिर टेबल 2 39 नो रेन, फिर टेबल 2 नो रेन, फिर टेबल 2 नो रेन। टेबल 2 ही देख रहे हैं ना हम हर बार, क्योंकि पिछले दिन बारिश हो नहीं रही है। सर नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो यहां से समझो। अब छठे दिन हमने बोला क्या पिछले दिन बारिश हुई थी? नहीं हुई, तो टेबल नंबर 2 में ही देखो। टेबल नंबर 2 में 78, मतलब यहां 1 सेंटीमीटर रेन हो गई। अब चूंकि छठे दिन बारिश हुई है तो सातवें दिन के लिए हम टेबल नंबर 1 में 70 देखेंगे, और 70 मतलब 1 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में नंबर 8 में, डे नंबर 8 में 6, तो फिर क्या हो गया? नो रेन। फिर नो रेन हो गया तो यहां पे नंबर 9, डे नंबर 9 में हम टेबल नंबर 2 देखेंगे, रेंज टेबल 2 देखेंगे तो 78 में 1 सेंटीमीटर। फिर यहां पिछले दिन रेन हुई तो टेबल 1 में, टेबल 1 में 76 देखा तो 2 सेंटीमीटर। बहुत ही कम बारिश है ही नहीं, सूखा पड़ रहा है। टोटल लगा लो इस सूखे में कितना गीला हुआ? 5 सेंटीमीटर गीला हुआ, और वो भी 4 दिन में। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे टोटल डेज विदाउट रेन, लिख लो टोटल डेज विदाउट रेन 6। और साथ में पूछा है टोटल रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड 5 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, मगर ट्रिक क्लिक करनी चाहिए कि हर दिन हमको अलग अलग टेबल में देखना पड़ सकता है। ये पहला क्वेश्चन है अपने टाइप का ऐसा कि कभी इस टेबल में देखना है, कभी उस टेबल में देखना है, अदरवाइज एक कॉलम में एक ही टेबल चलती थी हमारी, दूसरे कॉलम में दूसरी टेबल। 1000 क्वेश्चन कर लो कुछ फायदा नहीं है, दिमाग चलेगा तो ही फायदा है। नया क्वेश्चन फेस करते आना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन भी आपसे करवा के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिखा है एन इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन वॉन्ट्स टू स्टडी द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, मार्केट डिमांड इन यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट मतलब प्रॉफिट या कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी बोलते हैं, एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। दीज फैक्टर्स आर फेल्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इन एनालाइजिंग अ न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट द कॉरपोरेशन एस्टिमेट्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एनुअल डिमांड 25,000 यूनिट से लेके 55,000 यूनिट के बीच हो सकती है, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इसकी एक रेंज टेबल बन जाएगी। प्राइस माइनस कॉस्ट मतलब प्रॉफिट पर यूनिट 3 रुपए से 10 रुपए के बीच में है, ये दूसरी रेंज टेबल है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखो क्या होगा, डिमांड इनटू प्रॉफिट आप करोगे तो 1 साल का प्रॉफिट निकल आएगा। मान लो 50,000 यूनिट की डिमांड आई और 10 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट हो गया तो 5 लाख का प्रॉफिट हो गया 1 साल में। तो 1 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो परसेंटेज रिटर्न निकल आएगा।
कि हम कितना अपना रिटर्न पर प्रॉफिट हर साल कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 27.5-30-35 लाख कुछ भी हो सकता है, तो ये रेंज टेबल नंबर 3 बनेगी। यूजिंग द सिमुलेशन प्रोसेस रिपीट द ट्रायल 10 टाइम्स, कंप्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ट्रायल। हर ट्रायल पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है परसेंटेज टर्म्स में। टेकिंग दीज फैक्टर्स इन टू अकाउंट अप्रोक्सीमेटली वॉट इज द मोस्ट लाइकली रिटर्न। मोस्ट लाइकली रिटर्न पूछा है मतलब जिस तरह का रिटर्न बार बार रिपीट हो रहा हो, एक तरह से मोड पूछ रहे हैं हमसे, मीन मोड मीडियन आपने पढ़ा कभी, जो सबसे ज्यादा बार रिटर्न हो। मालूम पड़ा 10% 10% 10% 10% 4 बार रिपीट हो गया 10 ट्रायल में, तो फिर हम बोलेंगे कि 10% के आसपास होने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है। मोस्ट लाइकली रिटर्न हम बता देंगे और साथ में हम एवरेज भी बता देंगे, अगर एक जैसे कुछ रिटर्न अलग अलग ही रिटर्न है, एक जैसे रिटर्न नहीं आ रहे तो एवरेज तो निकालना बनता ही है। यूज द फॉलोइंग रेंडम नंबर फॉर एनुअल डिमांड प्राइस कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अब ये 30 रेंडम नंबर्स होंगे तो हम पहले ट्रायल के लिए यूज कर लेंगे 28, 57, 60 फर्स्ट ट्रायल के लिए, 64, 20, 27 सेकेंड ट्रायल के लिए, एंड सो ऑन। ऐसे सेट में यूज कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे? ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। 13 इज होमवर्क। फोर्टीन बोलता है कंसिडर द केस ऑफ अ डीलर और अ सर्टेन प्रोडक्ट फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट विच फॉर विच द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली डिमांड and probability distribution of the lead time. So lead time matlab koi inventory se related matter hai. Both developed empirically. Empirically matlab with your own experience. Kuch probability logic se aati hai aur kuch probability experience se aati hai. Sikka uchala to head aane ki probability 0.5 hai. Logical hai. Do outcome hai usme se ek. पर किसी बच्चे ने एग्जाम दी उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी में कोई लॉजिक नहीं चलेगा, ये एक्सपीरियंस से आएगा। 5%, 3% रिजल्ट आता है तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 5%। क्या कहते हो आप? मान लो अच्छा रिजल्ट आया 10%, उससे ज्यादा तो नहीं आता है। 10% रिजल्ट आया, बोध ग्रुप पास हुए बच्चे ऐसे जो 10% ऐसे बच्चे जो एक शॉट में बोध ग्रुप पास हो गए, एक शॉट में हुए कि नहीं ये नहीं मालूम, पर दोनों ग्रुप एक साथ पास हो गए, कोई थर्ड अटेम्प्ट भी दे रहा है तो वो तो बोध ग्रुप की काउंटिंग में तो काउंट होता ही है। तो थोड़े बहुत वैसे बच्चों को भी ले लिया तब भी बोध ग्रुप का रिजल्ट 10%, तो किसी भी स्टूडेंट के पास होने की प्रॉबिलिटी बेटा कितनी? 10%। नहीं है, इससे ज्यादा है। कितने परसेंट है? डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा पढ़ता है। नहीं मतलब पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, कौन कसर छोड़ रहा है। चलो ऐसा मान लेते कि 100 में से 50 बच्चे पढ़े ही नहीं, हो सकता है आप उन्हीं में हो, कम पढ़े नहीं पढ़े, तो 50 पढ़े, पास तो 10 ही हुए फिर भी, तो ढंग से पढ़ने वालों की पास होने की प्रोबेबिलिटी 20% और कम पढ़ने वालों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी 100%। चलो ये तो मानोगे अब आप, 100 बच्चों ने एग्जाम दिया, हम थोड़ा प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं, मतलब आप दिल पे मत लेना एग्जाम्पल को, हम प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं। 100 बच्चों ने एग्जाम दी, 50 बहुत ईमानदारी से पढ़े, ढंग से पढ़े, एकदम रेगुलर होमवर्क, क्लास वर्क, सेल्फ स्टडी, एक्स्ट्रा बुक, एवरीथिंग, जो वो 2 रिविजन पूरी ईमानदारी के साथ 50 बच्चे पढ़े, और 50 बच्चे कमजोर पढ़े या नहीं पढ़े, अब जो 100 में से 10 पास हो गए, उस 10 में से एक ऐसा मान लो जो उन 50 में रहा होगा जो ढंग से नहीं पढ़े। ऐसे बच्चे भी तो हो जाते हैं ना पास, कभी कभी होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो आप जल्दी बताओ, हो जाते हैं। तो उन 10 में से 1 तो उधर डाल दो उस 50 में, और बचे हुए 9
इधर रख लो जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उसमें। तो अच्छे से पढ़ने पे 50 में से 9 बच्चे पास हो रहे हैं, 9/50 कर लो। इफ यू आर डूइंग 100% जो मैं बोलता हूं वैसा पूरा अच्छा ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 18%। और अगर आप थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, कभी छुट्टी मार देते हैं, कभी होमवर्क नहीं भी करते हैं, सेल्फ स्टडी कभी करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/50 2%। और कोई इसमें आप एडिशन देना चाहेंगे कि नहीं सर ये तो बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा है एक्चुअली? है क्या? रिजल्ट आपके सामने है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वो वाले 50 में तो मारे ही जाओगे आप, फेल होना लगभग तय हो जाएगा। अपने को इस वाले 50 में ही रहना है जिसमें 100% प्योरिटी ऑफ एफर्ट चाहिए, बेईमानी जरा नहीं चाहिए। अरे तो ठीक है ना बेटा 18% नहीं तो फिर ठीक है ना, तो 18% कोई कम थोड़ी होता है। IAS और IIM के एग्जाम में तो बहुत ही कम होता है, IIT IAS IIM के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है, जहां 1% भी रिजल्ट नहीं होता है, 0.5% 0.3% टाइप से रिजल्ट होता है, तो इट्स मच बेटर। और वो साल में एक बार होती है तो 6-6 महीने में। इन शॉर्ट एफर्ट में जरा सी भी कमी छोड़ी तो सजा मिलना तय है। डरो मत, आप तो ईमानदारी से पढ़ने वाले हो ना, 100% देते हो ना अपना, गुड लक। तो प्रोबेबिलिटी समझ में आई आपको, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है? ये जो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था ये लॉजिकल नहीं थी, ये एम्पेरिकल है, अपने एक्सपीरियंस से डिराइव हुई प्रोबेबिलिटी। बस वही वर्ड यहां भी बोला है, बोला है डिमांड एक दिन में 3 से लेकर 12 यूनिट तक की आती है, जरा प्रोबेबिलिटी का टोटल लगाना है इसका, 1 हो रहा है कि नहीं। लीड टाइम मतलब आप स्टॉक ऑर्डर करें और उसके बाद आपके पास मिले, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ, इज 2 से लेकर 5 दिन का हो सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज नोन टू बी ₹80 पर ऑर्डर। अरे ये तो इन्वेंटरी रीऑर्डर वाला EOQ वाला क्वेश्चन आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट है एक बार ऑर्डर करने की ₹80। द होल्डिंग कॉस्ट अप्लीकेबल एज एंड वेन द क्वांटिटी रिसीव्ड, जैसे ही स्टॉक आपके हाथ में आया वहां से होल्डिंग कॉस्ट लगना शुरू। पर यूनिट पर डे इज एस्टिमेटेड एट ₹2। आज आपके पास यूनिट हाथ में आ गई तो आज की कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, भले ही आज 2 घंटे बाद ही वो माल बिक जाए। हाँ, लेकिन अगर आज वो माल बिक गया तो फिर कल की होल्डिंग कॉस्ट नहीं लगेगी आपको। हाँ, पर अगर कल भी वो माल रहा तो कल की भी होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। एप्लीकेबल एज एंड व्हेन क्वांटिटी रिसीव्ड। पर यूनिट पर डे इज एस्टिमेटेड एट ₹2। व्हाइल द यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट फॉर बैक ऑर्डर, अब यहां एक बैक ऑर्डर का कंसेप्ट आया है, मतलब नेगेटिव इन्वेंट्री हो सकती है। यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट फॉर बैक ऑर्डर इज ₹20 पर यूनिट पर डे। एक दिन आपके पास स्टॉक में 10 यूनिट थी और डिमांड 12 यूनिट की आ गई तो आपने क्या करा, 12 यूनिट बेच दी। सर ऐसे कैसे बेच दी, 2 यूनिट कहीं से अरेंज कर ली। और जैसे ही आपका वाला ऑर्डर आपको रिसीव हो जाएगा वो 2 यूनिट आप सामने वाले को दे देंगे, तब तक आपका स्टॉक चलेगा -2 -2 -2, फिर 50 यूनिट आ गई तो +48 हो गए वापस आप। लेकिन ये माइनस स्टॉक अगर चलता है तो 1 यूनिट एक दिन माइनस चले तो उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹20। माइनस स्टॉक चल सकता है बेटा, किसी और से उधार लेके बेच दिया आपने। आप देखो ना, मतलब दवाई की दुकान पे जाओ ना, अगर आप 10 बार विजिट करो तो कम से कम 2 बार ऐसा होता है कि बोलता भाई साहब रुको मंगवा रहा हूं, ज्यादा ही होता है बल्कि, रुको मंगवा रहा हूं इन द सेंस उसके पास ये स्टॉक में नहीं है। वो लड़का दौड़ता है उसके यहां से, उस लड़के के दौड़ के 2 जगह जाने की संभावना है, एक गोडाउन और दूसरा दूसरी दुकान वाले से वो मंगवा लेता है और आपको दे देता है, फिर बाद में उसके पास माल आता है तो वो पहुंचा देता है वहां पर। द डीलर इज
मतलब ये काफी क्यूरियस है इस बात को, एंशियस टू नो फॉर स्पेसिफिक रीऑर्डर लेवल ऑफ 20 यूनिट्स एंड रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ 40 यूनिट्स. डीलर ने डिसाइड करा है कि जैसे ही मेरा स्टॉक लेवल 20 यूनिट को टच करेगा या उससे नीचे जाएगा तो मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और जब ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितनी यूनिट्स प्लेस करूंगा, 40. आपका ईओक्यू जो आपने डिसाइड कर रखा है वो 40, ऑर्डर क्वांटिटी है 40 और रीऑर्डर लेवल है 20. कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, आईपीसीसी का सिंपल कंसेप्ट है, पर बाकी सिमुलेशन का कंसेप्ट अब हम उसमें मिक्स करने वाले हैं. व्हाट वुड बी द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट? अब इन्वेंटरी कॉस्ट में एक तो आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होल्डिंग कॉस्ट, और एक वो जो शॉर्टेज कॉस्ट. ऑर्डरिंग, होल्डिंग, शॉर्टेज, मेडअप ऑफ द ऑर्डरिंग, होल्डिंग एंड शॉर्टेज कॉस्ट. अज्यूम बिगनिंग इन्वेंटरी बैलेंस ऑफ 30 यूनिट्स. आप जहां ट्रायल चालू कर रहे हैं वहां ओपनिंग बैलेंस 30 यूनिट मान सकते हैं. कैरी आउट अ सिमुलेशन फॉर 10 डेज. 10 दिन चलाना है आपको इस सिमुलेशन को, और 10 रेंडम नंबर, जरा काउंट करना, 10 रेंडम नंबर है क्या? है, ठीक है. एक छोटा सा अजम्पशन हमको यहां लेना पड़ेगा, और वो ये कि जैसे मान लो आज ओपनिंग स्टॉक कुछ था, कुछ भी, मतलब आज किसी भी दिन, एक जनरल डे, कोई एक ओपनिंग स्टॉक है नया, आज कुछ आया नहीं क्योंकि कोई ऑर्डर आज रिसीव नहीं हुआ है. ओपनिंग प्लस जीरो परचेस इज इक्वल टू वही है आपके पास. डिमांड आई वो आपने माइनस कर दी, जैसे ही डिमांड माइनस करी आपने रीऑर्डर लेवल टच कर दिया, 20 पे आ गए या उससे भी नीचे आ गए. कैसा पॉसिबल है कि 20 के नीचे आ जाए? नहीं, तो 20 के नीचे तो आएंगे नहीं ना, तब तक तो ऑर्डर कर देंगे, नीचे आने के बाद ऑर्डर करेंगे, 20 या 20 के नीचे. 20 के नीचे आए, हमने ऑर्डर कर दिया. अब ऑर्डर जब आएगा तब आएगा, पर इस बीच तो डिमांड आती रहेगी ना, तो इसी में से अभी शॉर्ट सेल थोड़ी, अभी तो 20 पे तो आए हैं ना, अगले दिन 5 की डिमांड आएगी तो सेल करोगे कि शॉर्ट हो पड़ जाएगी? अरे बेटा सेल करोगे ना, 20 यूनिट तो है ना आपके पास अभी भी. कैसी बात कर रहे हो? मैं एक दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि जिस दिन शाम को स्टॉक कम पड़ेगा हम अगले दिन सुबह ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि बेटा हमको क्या एक कंसम्पशन लेना पड़ेगा कि अगर आज शाम को ऑर्डर डाला है और 3 दिन का लीड टाइम है, डे 1 पे शाम को ऑर्डर डाला आपने कि भैया जरा और माल पहुंचाना, तो डे 2, डे 3, डे 4, 3 दिन बाद मान लो आपके पास माल आया, तो डे 4 पे शाम पे आ जाएगा आपके पास. अरे बेटा 1 तारीख को शाम को ऑर्डर प्लेस करोगे तो 4 तारीख को शाम को मिल जाएगा, अगर 3 दिन का लीड टाइम है तो 4 तारीख की भी स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगी ना अपने, तो बेवजह इस. अरे आप कहीं जब घूमने जाते हो ना तो आप कोशिश करते हो, अरे आप कोई टूरिस्ट प्लेस पे गए, आप कोशिश करते हो कि रात को 8 बजे नहीं पहुंचे वहां, क्योंकि अननेसेसरीली वो रात वहां सोएंगे तो होटल का किराया लग जाएगा. ओवरनाइट ट्रेन मिल जाए तो बेहतर है, रात को ट्रेन में सो जाओ, सुबह वहां उतरो, सुबह होटल पहुंचो और घूमना शुरू उसके बाद. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस ऐसे ही यहां पे इन्वेंट्री के साथ भी होगा, शाम को ऑर्डर करेंगे तो शाम को इन्वेंटरी मिल जाएगी, ये अजम्पशन हम ले रहे हैं. 3 दिन मतलब 3 बार 24 घंटे, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है. तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अगर आज हमने रीऑर्डर लेवल को टच या क्रॉस कराया ना, तो आज नहीं कल सुबह हम ये ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो 1 तारीख को शाम को ऑर्डर प्लेस करने की जगह 2 तारीख को सुबह ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो 3, 4, 5 तारीख को सुबह मिलेगा. वैसे भी 4 को शाम को मिल जाए तो क्या काम का बिकेगा, तो 5 को ही ना, तो 5 को ही सुबह मिले और 5 से ही बिकना शुरू हो जाए तो स्टोरेज कॉस्ट कम लगेगी अपने लिए. एक अजम्पशन सबसे पहले आप लिख लो अपने सॉल्यूशन में. लेट अस अज्यूम दैट ऑर्डर्स आर नॉट प्लेस्ड इन द इवनिंग, रेदर देन
इट इज प्लेस्ड नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग. ठीक है, सबसे पहला एक आसान काम तो करो, आप रेंज टेबल बना लो. चलो हो गया ये, तो अब एक रन टेबल बना लेते हैं. रन टेबल में सबसे पहले हम ले लेते हैं डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक कॉलम हम बना लेंगे ओपनिंग स्टॉक का और एक ऑर्डर रिसीव्ड का, फिर एक डिमांड का, मतलब और यहां सेल का कॉलम अलग नहीं बनाना पड़ेगा. अगर शॉर्टेज का कंसेप्ट नहीं होता ना तो सेल और डिमांड अलग अलग हो सकते थे. डिमांड ज्यादा आई फिर भी सेल कम हुई. अभी तो यहां क्या है, जितनी डिमांड आएगी उतनी सेल करेंगे, शॉर्टेज भी होगा तो स्टॉक नेगेटिव ले जाएंगे. समझ रहे हो आप मेरी बात? इसलिए सेल का कॉलम अलग नहीं बनाना है. अगर ये शॉर्टेज अलाउ नहीं करते, बैक ऑर्डर अलाउ नहीं करते, तो हमको डिमांड के साथ एक सेल का कॉलम अलग बनाना पड़ता. डिमांड कितनी भी आई उससे क्या है, स्टॉक कम है तो सेल तो कम होगा. एक कॉलम बना लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का. ऑर्डर प्लेस करेंगे तो या तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का ही कॉलम बना लो, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉलम बना लो. हाँ, ये सब तो क्वांटिटी के कॉलम है. ऑर्डर प्लेस करेंगे शॉर्टेज का कॉलम अलग से बनाने की जरूरत नहीं ना, वो हम देख लेंगे. ऑर्डर मेरे ख्याल से हम क्लोजिंग स्टॉक को जीरो करके शॉर्टेज का कॉलम अलग बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर कब जरूरत पड़ेगी तो एक शॉर्टेज का कॉलम बना लेते हैं और एक ऑर्डर प्लेस्ड ऑर्डरिंग, जहां ऑर्डरिंग होगी वहां टिक लगा देंगे बस.
कितने बार ऑर्डर करते हैं वो पता चल जाएगा। ऑर्डरिंग का एक कॉलम बना दो, शॉर्टेज ऑर्डरिंग, और कुछ जरूरत पड़ेगी तो बेटा समझ लेंगे ना, बना देंगे और कॉलम, मेरे पास तो बहुत जगह है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 30 यूनिट्स का, रिसीव कुछ नहीं होना है पहले दिन, अभी कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया तो रिसीव कहां से हो जाएगी। डिमांड आएगी 84 रैंडम नंबर पे, 84 रैंडम नंबर मतलब कितने यूनिट्स की डिमांड है, 10 यूनिट्स, तो सेल भी 10 ही यूनिट्स होगी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा 20। शॉर्टेज कुछ भी नहीं है, ऑर्डर आज तो नहीं दे रहे, नेक्स्ट डे देंगे ना, नेक्स्ट डे सुबह दे देंगे ऑर्डर। ओपनिंग स्टॉक हो गया 20, रिसीव कुछ नहीं होना है, डिमांड के लिए रैंडम नंबर है 7 और 7 के हिसाब से डिमांड आगे कितनी 4, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 16। शॉर्टेज कुछ भी नहीं है, ऑर्डर प्लेस 1 लिख देता हूं, मतलब एक ऑर्डर दिया मतलब उसमें 40 यूनिट आएगी। ऑर्डर्ड क्वांटिटी बना लो, आपको ऐसा लग रहा हो तो ऑर्डर पर क्या मतलब है उससे, 1 लिख दिया मैंने, मतलब 1 ऑर्डर प्लेस्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अरे कि अभी ऑर्डर प्लेस कराया तो मिलेगा कितने दिन में, क्यों 3 कहां से लाए आप, नहीं लीड टाइम तो बेटा कुछ भी हो सकता है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, उसके लिए रैंडम नंबर चाहिएंगे हमको, तो रैंडम नंबर क्या वो 3 कुछ रैंडम नंबर अलग से दिए क्या इसके लिए लीड टाइम के लिए, तो यही रैंडम नंबर फिर से यूज कर लेते हैं, पहले ऑर्डर के लिए 84, दूसरे ऑर्डर के लिए 7, तीसरे ऑर्डर के लिए 55, और ऑर्डर देने पड़े तो आगे के रैंडम नंबर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सेम रैंडम नंबर्स, ठीक है, तो 84 84 में लीड टाइम कितना आ जाएगा, हमने अजम्पशन लिया है कि जो रैंडम नंबर डिमांड के लिए यूज हो रहे हैं वही रैंडम नंबर लीड टाइम के लिए भी यूज किए जाए, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। अगर रैंडम नंबर टेबल पे छोड़ दी होती बात तो हम एक कॉलम इसका ले लेते, दूसरा कॉलम उसका ले लेते। 84 मतलब कितने दिन, 4 डेज, तो फिर ये यहां पे हम लिख लेते ना ब्रैकेट में 4 डेज। अब बेटा 4 डेज का ये मतलब हो गया है कि दूसरे दिन दिया है तो 3, 4, 5, 6 छठे दिन पर हमको 40 क्वांटिटी रिसीव होगी, ये मैं अभी से लिख देता हूं। सेकेंड डे पे ऑर्डर दिया है और 4 दिन का लीड टाइम है, लो अरे ये रहा सेकेंड डे, यहां ऑर्डर दिया है तो लीड टाइम कितना आया है 4 दिन, वो कहां से लाया है, रैंडम नंबर 84, 84 को लीड टाइम वाली टेबल में देखो कहां है, जल्दी बोलो 4 डेज, तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6 कितनी उंगलियां ये 4, छठे दिन मिलेगी अपने को यूनिट सुबह सुबह बेचने लायक अवेलेबल होगी, छठे दिन की डिमांड को ये फुलफिल कर लेगी। चलो अभी ओपनिंग स्टॉक है अपना 16, रिसीव कुछ नहीं हुआ है, डिमांड 7 है पक्का, गलत तो नहीं है, एक गलती सब खत्म कर देगी आगे तक, बचा 9 कुछ ऑर्डर वगैरह यहां पर नहीं है। अच्छा एक चीज और देख लो कि अभी कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ है ना, 9 यूनिट्स है और 9 के बाद आने वाली कितनी है 40, तो 9 प्लस 40 अपने पास एक तरह से कितनी यूनिट है 49, कहीं और एक ऑर्डर नहीं प्लेस। अभी बाय द वे यहां पर एक और डिमांड आ जाती 50 की तो क्या होता, नेगेटिव में चले जाते हम और एक और ऑर्डर बीच में डालना पड़ जाता, रीऑर्डर लेवल वापस टच हो जाता, पुराना ऑर्डर तो मिला ही नहीं। पर वो कब होता कि अपना स्टॉक प्लस जो रास्ते की यूनिट है वो दोनों जोड़ लो, माइनस डिमांड करो, फिर 20 यूनिट को टच कर जाओ, वैसा तो होना नहीं है क्योंकि वो जो रास्ते में यूनिट आ रही है वो बहुत सारी है, कितनी है 40, तो जब तक वो नहीं आ जाती है तब तक और एक रीऑर्डर तो होता हुआ नहीं दिखता है, बात ही नहीं समझे आप। अरे बेटा 9 यूनिट स्टॉक में है तो आप बोलोगे सर 20 से कम है और एक ऑर्डर दो, पर रास्ते में कितनी है 40, तो अपना स्टॉक कितना है 49, तो मतलब क्या 20 के लेवल को टच कर दिया हमने वापस, नहीं करा। 9 का ओपनिंग स्टॉक रिसीव कुछ नहीं, डिमांड 11,
तो स्टॉक हो गया जीरो और शॉर्टेज हो गई टू. अपना तो स्टॉक कुछ नहीं है और दो दूसरे की बेच दी वो अलग. तो सर माइनस टू हो गया, माइनस टू प्लस 40, 38, तो भी रीऑर्डर लेवल तो टच नहीं हुआ है. फिर यहां ओपनिंग स्टॉक मैंने लिया कितना, जीरो. जीरो के बाद रिसीव हुई है कुछ भी नहीं. डिमांड कितनी आई, सिक्स. क्लोजिंग स्टॉक कितना, जीरो. शॉर्टेज कितना हो गया, एट. दो यूनिट का पहले से था, छह का. क्यूमुलेटिव शॉर्टेज ले रहे हैं हम लोग. आप इंडिविजुअल शॉर्टेज लिखना चाहें तो वैसा लिख लें, क्यूमुलेटिव अलग से कर लेंगे. माइनस एट प्लस 40, 32, रीऑर्डर तो नहीं आता है. फिर ओपनिंग स्टॉक आया जीरो. अब डिमांड कितनी, पांच है. अब बेटा सुनना क्या होगा, 40 में से पांच भी माइनस करेंगे और आठ का शॉर्टेज भी चुका देंगे. जिनसे उधार लाए ना वो उनको चुका देंगे. नहीं ना बेटा, शॉर्टेज दो और छह आठ ही का है ना. हाँ, तो पांच भी माइनस कर लो, आठ भी माइनस कर लो, 13 माइनस कर लो तो कितना आया, 27. 27 है तो ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है. 27 का ओपनिंग आ गया और रिसीव कुछ नहीं है. डिमांड कितनी, 7 पक्का. तो हो गया रीऑर्डर लेवल टच. तो अगले दिन हम कर देंगे एक ऑर्डर प्लेस. और अगले दिन जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके लिए रैंडम नंबर है 7, और 7 रैंडम नंबर तो लीड टाइम है 2 days. अब यहां पे ओपनिंग स्टॉक आया 20, रिसीव हुआ कुछ नहीं, और डिमांड कितनी आई है, 6, बचा 14. शॉर्टेज कुछ नहीं है अपने पास. सर 20 से कम है, अरे तो 40 और आने वाली भी तो है. अच्छा वो दो दिन बाद है, तो आठवें दिन का वो कब मिलेगा अपने को, 10वें दिन. इधर 14 का ओपनिंग स्टॉक, डिमांड कितनी, 8, बचा कितना, 6. ओपनिंग स्टॉक 6, 40 यूनिट्स और आ गई. डिमांड 6, क्लोजिंग स्टॉक 40. अजम्पशन लिया है हमने कि अगले दिन सुबह ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये हमारा अजम्पशन है. इससे हमारी कॉस्ट कम आए. अब देखो बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब इसके नीचे आप लिखो नंबर 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट. देर आर 2 ऑर्डर्स इन ईच ऑर्डर कॉस्ट रुपीज 80. सो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 160. एक कॉलम और बनाना पड़ सकता है बेटा, तैयार रहना. उसके बिना भी करवा दूंगा तो, पर थोड़ा परेशान तो करूं मैं आपको. शॉर्टेज कॉस्ट देखो क्या है, यहां देखो एक दिन 2 यूनिट शॉर्ट पड़ी और एक दिन 8 यूनिट. कुल मिला के 2 यूनिट जब शॉर्ट पड़ी तो नंबर ऑफ डेज भी देखना पड़ेगा ना. 2 यूनिट जब शॉर्ट पड़ी एक दिन के लिए, तो एक यूनिट एक दिन शॉर्ट पड़े तो कॉस्ट कितनी आती है, 20 रुपए. 2 × 20 कितना हो गया, 40. फिर 8 × 20 कितना हो जाएगा, 160. तो 40 और 160 कितना हो जाएगा, 200. तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि ये 10 यूनिट्स नहीं है, 10 यूनिट डेज है.
अरे भैया, 2 यूनिट एक दिन शॉर्ट पड़ी, 8 यूनिट एक दिन शॉर्ट पड़ी, तो यूनिट डेज कितने हो गए? 10। और हर एक यूनिट डे के लिए हमारी कॉस्ट कितनी आती है? 20। कितनी आई? 200। दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, 2 यूनिट शॉर्ट पड़ी तो उसके 40 रुपए, फिर 8 यूनिट शॉर्ट पड़ गई तो उसके रुपए अलग। हाँ चलो सब अलग अलग करके दिखाता हूं, आंसर ये आएगा। चलो शुरू करते हैं। 2 यूनिट्स डे 1, 2 यूनिट्स डे 2, 2 यूनिट्स डे 1, तो 20 दुना 40 रुपए है ना। ये गलत हो सकता है, अभी एकदम सही होगा। 2 यूनिट पहले दिन शॉर्ट रही तो कितने रुपए शॉर्टेज कॉस्ट? 40। फिर वो 2 यूनिट दूसरे दिन भी शॉर्ट रही तो ये तो पर डे की कॉस्ट है कि पर डे पर यूनिट है? पर डे पर यूनिट है ना, तो फिर वापस भी तो लगेंगे ना बेटा पैसे, तो फिर कितने हो गए? 40। फिर 6 यूनिट्स डे 1, एक ही दिन शॉर्ट पड़ी, वो कितना हो गया? 120 टोटल लगाओ, है ना सेम बेटा। पहले यूनिट जोड़ी थी, अब डेज जोड़ रहे हैं हम। वो जो 2 लिखा था ना, वो एक तरह से 2 यूनिट डेज है। फिर जो 8 लिखा है वो 8 यूनिट डेज है। तो 2 और 8 अब यूनिट नहीं जुड़ रही है, अब 2 और 8 दिन जुड़ रहे हैं। तो 2 और 8 दिन कितने हो गए? 10। और एक दिन पे लगते हैं रुपए 20, तो 10 दिन पे रुपए लग गए 200। पहले क्यूमुलेटिव करा था यूनिट के लिए, फिर क्यूमुलेटिव कर रहे हैं डेज के लिए। अब तीसरा होल्डिंग कॉस्ट, इसमें हमको कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। या तो हम एक चीज मान लें, 3 तरह के अजम्पशन हो सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट लगेगी, क्लोजिंग स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट लगेगी, एवरेज स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट लगेगी। मोस्ट लॉजिकल एवरेज होता है, मतलब अगर कोई उस एवरेज स्टॉक का मतलब ये निकलेगा कि कोई यूनिट अगर आधे दिन रही तो आधी स्टोरेज कॉस्ट ही लगेगी। मतलब ओपनिंग में 20 स्टॉक यूनिट थी और क्लोजिंग में, ये जो ये क्यूटी नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है जो आपको तकलीफ दे रहा है ना, ये क्यूटी नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। कोई यूनिट ओपनिंग थी 20 और क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 10 यूनिट, तो एक अजम्पशन तो ये हो सकता है कि 20 यूनिट पे 2 रुपए पर डे के हिसाब से लग गए आपके 40 रुपए ओपनिंग स्टॉक। दूसरा हो सकता है कि डे एंड पे तो 10 यूनिट थी ना, तो 10 × 2 कॉस्ट कितनी लगेगी? केवल 20। तीसरा हो सकता है एवरेज स्टॉक निकालो, 20 + 10 / 2 15 × 2 कितना हो गया? 30 रुपए। इस 30 रुपए का मतलब क्या रहा कि 10 यूनिट तो सुबह भी थी, 10 यूनिट शाम को भी थी, उस पर 10 यूनिट × 2 रुपए पूरे कितने लग गए? 20। पर 10 यूनिट दूसरी वाली जो थी वो सुबह थी, शाम को नहीं थी, तो आधे दिन में बिक गई होगी, तो उस 10 पे 1 रुपए लो, तो 20 + 10 कितने हो गए? 30। सब बातें भूल जाओ, 3 तरह के अजम्पशन है। ओपनिंग स्टॉक पर स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, क्लोजिंग स्टॉक पर स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, एवरेज स्टॉक पर स्टोरेज कॉस्ट लगेगी। लेट अस अज्यूम एवरेज। सर मेरे को नहीं अच्छा लगा ये अजम्पशन, टेक योर ओन अजम्पशन एंड सॉल्व दिस स्टेप अगेन। लिखिए यहां होल्डिंग कॉस्ट में, लेट अस अज्यूम दैट होल्डिंग कॉस्ट इज एप्लीकेबल ऑन एवरेज स्टॉक लेंदी करना है क्वेश्चन को, तो एक कॉलम एवरेज स्टॉक का बनाओ, उसमें ओपनिंग 30 + क्लोजिंग 20 / 2 एवरेज स्टॉक 25। या फिर एक काम करो, ओपनिंग स्टॉक का टोटल लगा लो, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लगा लो, उन टोटल्स का एवरेज निकाल लो, तो यही ज्यादा आसान पड़ रहा है। ओपनिंग स्टॉक का टोटल बताओ, $142।
पक्का? क्लोजिंग स्टॉक का टोटल बताओ, 152. सुनो, 142 प्लस 152 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 147. ये 10 दिन का है तो अच्छा है ना, हमको तो पर डे के हिसाब से कॉस्ट लग रही है. वैसे भी कितनी, 2 रुपए कॉस्ट है, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 2 रुपए. 147 इंटू 2, 294. सर ये 147 तो 10 दिन का टोटल है, हमको पर डे का चाहिए, तो निकाल लो. 147 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो हर दिन का स्टॉक ऑन एन एवरेज कितना हो जाएगा, 14.7 यूनिट्स. पर हमको तो पूरे 10 दिन की स्टोरेज कॉस्ट चाहिए ना, तो 14.7 इंटू 2 करोगे तो 29.4 पर डे की स्टोरेज कॉस्ट आएगी. 29.4 पर डे मल्टीप्लाइड बाय 10 डेज, 294. इस 10 दिन के पीरियड में 2 ऑर्डर हुए हैं तो दोनों ले लिए, 10 दिन में जो शॉर्टेज हुए हैं वो सारे लिए हैं, तो स्टोरेज कॉस्ट भी क्या आएगी, पूरे 10 दिन की आएगी. अब इन तीनों कॉस्ट का टोटल लगा लो, टोटल 654. क्वेश्चन को लेंथी बनाना होना तो क्वेश्चन आपको एक ऑप्शन और दे देगा कि ये 2040 की जगह पर 1020 वाली स्ट्रेटेजी चलाओ, मतलब 10 पे आएगा तो हम रीऑर्डर करेंगे और रीऑर्डर 20 यूनिट का करेंगे, तो फिर वापस रन टेबल बनाओ और उसकी कॉस्ट निकाल लो और देख लो किसमें कॉस्ट कम आ रही है, उसको चूज कर लो. बोलो, ₹2 पर यूनिट एवरेज पे लगेगा. नहीं बेटा, मैंने ऐसा कहा कि तीन तरह के अजम्पशंस हैं, या तो आप ओपनिंग स्टॉक पे स्टोरेज कॉस्ट लगेगी ये मान सकते हो, या क्लोजिंग स्टॉक पे स्टोरेज कॉस्ट लगेगी ये मान सकते हो, या एवरेज स्टॉक पे लगेगी ये मान सकते हो. आप जो बोल रहे हो कि जैसे ही यूनिट आई स्टोरेज कॉस्ट वैसे ही लग जाएगी, अगर हम ऐसा माने तो फिर आपने मान लिया कि ओपनिंग स्टॉक पे स्टोरेज कॉस्ट लगेगी. ऐसे केस में 142 इंटू 2 विल गिव यू 284. वो कहा था, लेकिन जब अजम्पशन लिखने की बारी आई तो मैंने तीनों अजम्पशन कहे फिर, और फिर तीनों में से एक चूज कर लिया. ओके, तो फाइनली डिसाइड हमने ये करा कि एवरेज है. आप ओपनिंग पे मानना चाहें तो 142 इंटू 2 कर दीजिए, क्लोजिंग पे मानना चाहें तो 152 इंटू 2 कर दीजिए. क्वेश्चन पढ़ते समय वैसा कहा था, पर उसके बाद सारे ऑप्शन दिखे तो हमने सारे देखे और जो बेस्ट ऑप्शन था वो लिख भी लिया हमने. बोलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ऐसा एक क्वेश्चन आप करके लाएंगे, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन. पहली बार में तो नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, पर अब ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको करते आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ के देखते हैं, 15. क्वेश्चन 15 हम आपके होमवर्क के लिए पढ़ रहे हैं. लिखा है, अ कंपनी ट्रेडिंग इन मोटर व्हीकल स्पेयर्स विशेस टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ स्टॉक इट शुड कैरी फॉर द आइटम्स इन इट्स रेंज. डिमांड इज नॉट सर्टेन एंड देयर इज अ लीड टाइम फॉर द स्टॉक रिप्लेनिशमेंट फॉर वन आइटम एक्स. डिमांड 3 से लेकर 7 यूनिट की हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है. बातें नहीं, ध्यान दीजिए. कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर डे 20 पैसे, मतलब 0.20 रुपीज. ऑर्डरिंग कॉस्ट 5 रुपए. लीड टाइम 3 डेज. आसान क्वेश्चन है, लीड टाइम तो दिया ही हुआ है कि 3 दिन है. अजम्पशन वही ले लेना कि अगले दिन सुबह ऑर्डर देते हैं, देखते हैं कुछ और अगर नहीं लिखा हो तो. स्टॉक इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द सिमुलेशन एक्सरसाइज वॉज 20 यूनिट्स. यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द सिमुलेशन रन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इवेल्यूटिंग द फॉलोइंग इन्वेंटरी रूल. ऑर्डर 15 यूनिट्स व्हेन द प्रेजेंट इन्वेंटरी लेवल
प्लस एनी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर फॉल्स बिलो 15 यूनिट्स. रीऑर्डर लेवल भी 15 यूनिट है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी 15 यूनिट की ही है. रीऑर्डर लेवल 15 यूनिट, रीऑर्डर क्वांटिटी भी 15 यूनिट. द सीक्वेंस ऑन द रैंडम नंबर ओ, वन डिजिट रैंडम नंबर है, तो जो आप रेंज डेवलप करेंगे वो वन डिजिट की करेंगे. तो पहली वाली रेंज आपकी बनेगी 0 से 0, क्योंकि लेस वन करना रहेगा ना आपको. यूजिंग द फर्स्ट रैंडम नंबर फॉर डे वन, योर कैलकुलेशन शुड इंक्लूड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग दिस इन्वेंटरी रूल फॉर 10 डेज. अजम्पशन वही ले लेना कि अगले दिन सुबह ऑर्डर प्लेस करेंगे और स्टोरेज कॉस्ट एवरेज इन्वेंटरी पे लगेगी. सेम अजम्पशन आप लें. और ये क्वेश्चन आसान है आपके लिए कंपेरेटिवली उस वाले के बनिस्बत. तो क्वेश्चन 15 आप सॉल्व करके लाइए. और कौन सा, एक ही दिया है, दूसरा है 13 और 15 कंपलसरी है, बाकी कल देखेंगे.